नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल मस्ती में, जहाँ करते हैं हम सेटों की अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आए हूँ आपके लिए दो स्मार्टफोन जो कि आपको 10,000 तक के रेंज में आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो फ्रेंड्स, पहला सेट है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी का J4। इसका कंपेरिजन करेंगे हम रेडमी के Y2 से। रेडमी Y2 में अलग अलग वेरियंट आते हैं, तो हमारे पास 3 GB रैम और 32 GB रोम वाला वेरियंट है, वहीं सैमसंग 2 GB रैम और 16 GB रोम में आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, दोनों की करते हैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दोनों सेट हैं, रेडमी Y2 और सैमसंग गैलेक्सी J4। तो हम पहले रेडमी Y2 को देखें, तो यहाँ पर बाय Xiaomi इंडियाज़ नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका है रेडमी। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें कैमरा दिया गया है 16 MP का, फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है विद LED लाइट, और यहाँ पर रियर कैमरा दिए गए हैं 12 MP और दूसरा कैमरा 5 MP का दिया गया है बैक साइड में जो रियर कैमरे हैं, और 5.99 इंच की इसकी फुल व्यू डिस्प्ले दी गई है फुल स्क्रीन, और 625 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको इसमें मिलेगा। बाकी इसमें 3080 mAh की बैटरी दी गई है और 3 GB रैम और 32 GB इसमें रोम दी गई है। वहीं आप सैमसंग गैलेक्सी J4 को देखें तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 13.95 मतलब 5.5 इंच की डिस्प्ले के साथ आपको यह सेट मिलेगा। HD SMOLED की डिस्प्ले स्क्रीन है इसमें, और 13 MP इसमें रियर कैमरा है और 5 MP इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। बाकी फ्रंट में आपको इसमें भी LED फ्लैश लाइट मिल जाएगी। 2 GB रैम और 16 GB रोम में यह मिलेगा, और 3000 mAh की इसमें बैटरी दी गई है। तो फ्रेंड्स, दोनों को जल्दी से खोलते हैं और देखते हैं दोनों सेटों को। तो फ्रेंड्स, दोनों सेटों को कर दिया है हमने अनबॉक्स। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इनका लुक। तो फ्रेंड्स, पहले रेडमी Y2 सेट को खोलते हैं। तो यहाँ पर साइड सेट को रखते हैं हम साइड में, और कंटेंट देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें एक टाटा केबल मिल रही है जो कि इस तरह से दी गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं हम सिम इजेक्टर की है जिससे हम सिम ट्रे खोल सकते हैं, और यहाँ पर 5 वोल्ट का कुछ इस तरह का चार्जर दिया गया है जो कि इस तरह से मिलता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ ज़रूर हमें इसमें केस मिलेगा, एक मोबाइल का ट्रांसपेरेंट केस जो कि रेडमी Y2 दे रहा है, तो कुछ जो कि इस तरह का है, फ्लेक्सिबल है और ट्रांसपेरेंट है। और फ्रेंड्स, अब नज़र डालते हैं स्मार्टफोन रेडमी Y2 पे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की डिज़ाइन है इस सेट की। तो यहाँ पर डिटेल दी गई है 16 MP का जो कि फ्रंट कैमरा है, 12 MP और प्लस 5 MP जो कि यहाँ पर दिए गए हैं दोनों कैमरे, तो उनकी डिटेल दी गई है। राइट साइड में देखें तो पावर ऑन की है और वॉल्यूम रॉकर है। टॉप साइड में देखें तो यहाँ पर इंफ्रारेड सेंसर है जो रिमोट के काम में लिया जा सकता है, आप इससे टीवी का रिमोट बना सकते हैं। और बगल में हेडफोन जैक जो कि 3.5 mm का जैक दिया गया है। बॉटम साइड देखें तो यहाँ पर चार्जिंग जैक और स्पीकर और माइक तीनों एक साथ मिलेंगे आपको नीचे की साइड। बाकी बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है जो कि सेंटर में है, और यहाँ पर ड्यूल कैमरा और सेंटर में दिया गया है हमें फ्लैश लाइट। और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखता है और फ्रंट साइड से कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन है। अब देखिए कुछ इस तरह से हमें यह देखने को मिलेगा। अब नज़र डालते हैं सैमसंग गैलेक्सी का J4 पे। तो सेट को थोड़ा साइड रख के इसके कंटेंट भी देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या मिल रहा है। बाकी इसमें यूज़र गाइड और वारंटी कार्ड जिनको रखते हैं हम साइड, और यहाँ पर हमें हैंड्स फ्री भी इसमें मिल रही है जो कि रेडमी Y2 में हमें नहीं मिल रही थी। तो इस तरह की हैंड्स फ्री आपको इसमें मिलेगी, बाकी डाटा केबल और एक 3000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी जो कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, बैटरी है सैमसंग की, और बाकी 5 वोल्ट का एक चार्जर आपको इसमें मिलेगा।
बाकी आप नज़र डालते हैं सेट पे, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का लुक है सेट का, काफ़ी स्टाइलिश है और फ्रंट साइड से G7 से काफ़ी मिलता जुलता है, मगर डिस्प्ले में थोड़ा अंतर है देख सकते हैं। और बाकी बैक साइड देखें तो बैक साइड कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी G4 में। बाकी फ्रंट में आप देख सकते हैं 5 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आपको इसमें LED फ्लैश लाइट भी मिल रहा है। बाकी नीचे की दी गई है नेविगेशन बार में मेन्यू की दी गई है। बाकी बॉटम साइड में आपको यहाँ पर चार्जिंग जैक, माइक और हेडफोन जैक तीनों साथ में देखने को मिलेंगे, जो कि तीनों साथ ही में है नीचे की साइड। बाकी टॉप साइड में खाली रखा गया है, राइट साइड में पावर ऑन की है और लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं। बाकी बैक साइड में आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा विद LED फ्लैश और उसके बगल में स्पीकर्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर सैमसंग लिखा गया है, आप इसका खोल के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देख सकते हैं आप ड्यूल सिम है, 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। तो करते हैं इसमें बैटरी को इंसर्ट और दोनों सेटों की पावर्स को करते हैं आप ऑन। फ्रेंड्स दोनों मोबाइल को कर दिया है हमने ऑन, तो इस तरह की डिस्प्ले दोनों में आपको देखने को मिलेगी। डिस्प्ले साइज़ देख सकते हैं आप, यहाँ पर G4 काफ़ी छोटा है और रेडमी Y2 काफ़ी बड़ी डिस्प्ले दिखाई दे रही है। तो दोनों की डिस्प्ले क्लैरिटी कुछ इस तरह से है। मेन्यू देख लेते हैं दोनों का, तो यहाँ पर रेडमी Y2 में कुछ इस तरह के आइकन हमें देखने को मिलेंगे। बाकी शॉर्टकट्स में देखें तो यहाँ पर आप कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने फुल बढ़ा दिया इसका कंट्रास्ट। बाकी आपको सारे शॉर्टकट्स यहाँ से मिल जाएंगे मोबाइल डाटा ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए, और यहाँ पर वाईफाई टॉर्च, टॉर्च भी जला के देख लेते हैं एक बार। तो टॉर्च कुछ इस तरह से इसका जलेगा। वहीं आप सैमसंग का देखें तो सैमसंग के कुछ आइकन कुछ इस तरह से हैं। बाकी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं शॉर्टकट्स देखें तो यहाँ पर हमें इसका कॉन्ट्रास्ट फुल कर देते हैं, तो यहाँ पर वार्निंग दे रहा है कंट्रास्ट ज़्यादा करने से बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई फ्लाइट मोड, और एक नज़र हम ज़रा टॉर्च पे भी डालें तो कुछ इस तरह से इसका टॉर्च चलेगा। बाकी आइकन सारे इस तरह से हैं इसमें, और रेडमी के आइकन आपको दिखा चुका हूँ पहले। बाकी इसमें अंदर फोल्डर के अंदर भी आपको ऐप्स मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स अब एक नज़र दोनों के कैमरे में डालें तो कैमरा देख लेते हैं, रेडमी Y2 का ड्यूल कैमरा किस तरह से है। यहाँ पर परमिशन मांग रहा है तो परमिशन दे लेते हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा फोकस बना रहा है, और जूम करके देखें तो यहाँ पर जूम काफ़ी अच्छा हो रहा है, 8 गुना तक आप इसमें जूम कर सकते हैं। ये देखिए तो जूम कुछ इस तरह से इसका जूम है। अब नज़र सैमसंग के कैमरे पे डालें तो कैमरा सैमसंग का भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इसका जूम करें तो यहाँ पर सिर्फ 4 गुना तक आप इसका जूम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये अभी फट नहीं रहा है सैमसंग गैलेक्सी, और फोकस भी बना रहा है यहाँ पर। ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी J4 फुल जूम में 4 गुना जूम। दोनों के कैमरे को एक साथ देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से कैमरा दोनों का दिखाई देता है। बाकी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप यूज़ कर रहे हो दोनों सेट, तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। अगर रेडमी Y2 यूज़ कर रहे हो तो बताना, और अगर सैमसंग गैलेक्सी J4 यूज़ कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सेट कैसे हैं। तो फ्रेंड्स रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। तो मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।